नमस्कार, आज का एजेंडा लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से ये कहे तेजी के साथ ये राजनीति बदल रही है। समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में मुलायम सिंह यादव है तो लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव है। दिल्ली बुलाया मुलायम सिंह यादव ने, सीएम ने आने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर अभी थोड़ी देर पहले बयान भी दिया कि कुछ फैसले उन्होंने अपने आप लिए, कुछ फैसले मुलायम सिंह यादव के कहने पर लिए गए हैं। सवाल ये है कि ये जो घमासान शुरू हुआ चाचा भतीजे के बीच, इसके बाद पिता पुत्र के बीच शुरू हुआ, ये कैसे थमेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, आज का एजेंडा इसी पर। तो आपको बता दें कि एक बड़ा बयान इस वक्त अखिलेश यादव का निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेताजी के फैसला हर आदमी मानता है, तो जिस तरीके से पूरी की पूरी एक तरह से जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और नेताजी के ऊपर इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का भी स्टेटमेंट देखें तो सुबह उन्होंने यही कहा था, जो भी नेताजी कहेंगे वही किया जाएगा। तो अखिलेश ने कहा है कि झगड़ा परिवार का नहीं सरकार का है। अखिलेश ने कहा कि मैंने जो भी फैसले किए हैं वो नेताजी की जानकारी में है और कुछ फैसले मैंने खुद किए हैं। अखिलेश ने बड़ी बात ये कही है कि अगर बाहर के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो कैसे चलेगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, इस वजह से मुसीबतें ज्यादा आ रही हैं और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं जो बयान निकल कर आ रहा है वो कई मायनों में अहम भी है। ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोग अगर हस्तक्षेप करेंगे तो फिर आखिर कैसे चलेगा। अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहां से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये सरकार की बात की मैं सवाल कर रहे, आप घर की बात सवाल नहीं कर रहे, घर की बात की। अच्छा, कौन नहीं नेता जी की बात माने? और जहां तक सवाल है मैं ये कहता हूँ कि जो सवाल आपसे मुझसे पूछ रहे हो आप, और अखबारों में तो नहीं पढ़ा मैंने, टीवी पे तो देखा मैंने, जो घटनाक्रम है मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जहां तक मैं समझता हूं परिवार की बात है, परिवार में नीता जी का सब कहना मान और सब कहना माने, और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नीता जी के कहने से ही और नीता जी का मानना भी काम किया। कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिया, तो नेताजी के कहने से भी निर्णय लिए, कुछ मैंने अपने आप ले लिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस वक्त सियासी हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव दिल्ली में है, अखिलेश यादव लखनऊ में है, और ये कहा जा रहा है कि सफाई से निकल चुके हैं शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए। तो एक के बाद एक, एक तरीके से कहे जो सियासी इस पूरे घटनाक्रम में तमाम चीजें बदलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि स्टेटमेंट जिस तरह से मुख्यमंत्री का निकल कर आया है वो भी कई मायनों में काफी अहम समझा जा रहा है। तो रामगोपाल यादव को भी लखनऊ से दिल्ली बुलाया गया है। अखिलेश कैबिनेट से निकाले गए गायत्री प्रसाद प्रजापति ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की आज। तो उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने पहले से तय दोनों कार्यक्रम रद्द कर दिए। हालांकि बीच में जानकारी आई थी कि वो दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे,
और दूसरे कार्यक्रम में वो शामिल भी हुए। सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह यादव समाजवादी कुनबे में जारी घमासान को खत्म कर आ पाएंगे। अखिलेश और शिवपाल दोनों कह रहे हैं कि हम नेताजी की बात मानेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जुड़े संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से अवनीश विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, विवेक तिवारी शिवपाल यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं और अनुराग चड्ढा दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर से तमाम घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम इनसे समझेंगे अभी क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पहले क्या कुछ अभी तक हुआ है इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये 2017 का जो इलेक्शन है उसमें सीएम पद के लिए किसी का नाम नॉमिनेट हुआ है? निर्णय लेता है और फिर जब चुनाव हो जाएगा फिर उसके बाद विधायक निर्णय लेते हैं। शिवपाल का ये बयान एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की टेंशन में इजाफा करने वाला है। इस बयान से साफ है कि यूपी की सत्ता की फर्स्ट फैमिली में मचा घमासान थमने के बजाय और तेज हो गया है। ना अखिलेश मानने को तैयार है और ना ही शिवपाल। अब यूपी में सीएम पद को लेकर शिवपाल ने सवाल उठा दिए हैं। ये 2017 का जो इलेक्शन है उसमें सीएम पद के लिए किसी का नाम नॉमिनेट हुआ है? देखिए, अब चुनाव की अभी तो शुरुआत है और ये हमारा जो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया नेताजी हैं और जो संगठन निर्णय लेता है और फिर जब चुनाव हो जाएगा फिर उसके बाद विधायक निर्णय लेते हैं। असल में मंगलवार की रात घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले। दोपहर को खबर आई कि अखिलेश ने चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को हटा दिया है। दीपक मुलायम और शिवपाल के करीबी माने जाते हैं। दीपक सिंघल ने मुलायम से मुलाकात की। सोमवार को दो मंत्रियों को हटाने के बाद ये तीसरा बड़ा फैसला था। शाम होते होते पता चला कि मुलायम ने अखिलेश की जगह शिवपाल को यूपी में पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। दो घंटे बाद खबर आई कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल से तीन अहम विभाग छीन लिए। बताया जा रहा है कि इस फैसले से नाराज शिवपाल सैफई चले गए। इसके बाद शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कोशिशें। मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल की पत्नी और बेटी को शिवपाल को मनाने के लिए सैफई जाने को कहा। इस दौरान शिवपाल के घर के बाहर उनके तमाम समर्थक डटे रहे। सुबह होते ही शिवपाल पहले अपने समर्थकों से मुखातिब हुए और फिर मीडिया से, लेकिन दोनों जगह उन्होंने एक ही बात कही कि नेताजी जो भी कहेंगे वो मानेंगे। नेताजी के बात को किसी की हैसियत नहीं है टालने की। नेताजी जो फैसला लेंगे नेताजी से बात करेंगे, हैं? नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी समाजवादी पार्टी सभी जनता नेताजी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, फिर क्या? इस बयान के बाद ये लगने लगा कि शिवपाल के तेवर नरम पड़ गए, लेकिन घंटे भर बाद ही उन्होंने सीएम पद को लेकर बयान दिया, जिससे ये साफ हो गया है कि मुलायम के लिए चुनौती अभी भी कम नहीं हुई है। देखिए, अखिलेश यादव जी अगर ये सब कुछ थोड़ा पहले करते तो हो सकता है उनका भला होता, अब तो बहुत देर हो गई। इसलिए हम लगता है कि ये दागियों और बागियों का झगड़ा, परिवार का झगड़ा है। इस झगड़े को उन्हें निपटाना है, लेकिन जनता इनको निपटाएगी। देखिए, मुलायम सिंह के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अभी कुछ ही महीनों में चुनाव के रूप में सामने आ रही है, और ऐसी परिस्थिति में अगर वो पार्टी को नहीं संभाल पाए और पार्टी बिखर गई या आपस में कोई झगड़ा या डिफरेंसेस हो गए तो उस सूरत में बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी उनको। अब उन्हें अपना घर ठीक कर लेना चाहिए। टेंशन कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम अखिलेश ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और अब सबकी नजर दिल्ली में मुलायम सिंह के घर पर है, जहां अंदर ही अंदर सियासी गहमा गहमी तेज है। शिवपाल और अखिलेश की इस टसल का क्या होगा, इसका फैसला अब दिल्ली में होगा। अब बड़ा सवाल है कि बेटे और भाई की इस टेंशन को मुलायम सिंह कैसे संभाल पाएंगे, वो भी तब जब पार्टी को जल्द ही चुनाव का सामना करना है। वो मुलायम सिंह जिसने दिल्ली की सत्ता को बनाने बिगाड़ने में कई बार अहम भूमिका निभाई और बड़ी से बड़ी सियासी टेंशन को दूर किया, क्या वो अपने घर में छिड़े इस घमासान को सुलझा पाएंगे? लखनऊ से विवेक तिवारी और अवनीश विद्यार्थी के साथ दिल्ली से अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। तो इधर अखिलेश कैबिनेट से निकाले गए गायत्री प्रसाद प्रजापति ने आज मुलायम सिंह यादव से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात की। तो सूत्र के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने गायत्री प्रजापति को साफ कहा है
कि अब उनकी कैबिनेट में वापसी नहीं हो सकती है। यानी कि अखिलेश यादव ने जो डिसीजन लिया है उसे हामी भरी जा चुकी है मुलायम सिंह यादव की ओर से, और ये कहा गया है कि कैबिनेट में वापसी नहीं हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने गायत्री प्रजापति को कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करे, नहीं तो अखिलेश उनका टिकट भी काट देंगे। यानी सख्ती दिखाई गई है गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर के मुलायम सिंह यादव की ओर से। जब वो मुलाकात करने के लिए गए हैं तब ये कहा गया कि पार्टी के लिए काम करें, नहीं तो अखिलेश यादव उनका टिकट भी काट देंगे। एक तरह से चेतावनी दे दी गई है। कैबिनेट से बाहर होने के बाद मुलाकात करने के लिए मुलायम सिंह यादव से पहुंचे थे गायत्री प्रजापति। हमारे साथ अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, मुझे एक बात ये बताइए कि जो ये डिसीजन लिया गया है और जो सख्ती दिखाई गई मुलायम सिंह यादव की ओर से, वो जरूर ये इशारा कर रही है कि पूरी तरह से सहमत है इस मामले में कम से कम अखिलेश यादव के साथ वो। देखिए श्वेता, मुलायम सिंह अपने बेटे और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार अगर वो कोई जिद कर लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते, और रात से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव उस घटनाक्रम को जो समझ पाए हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। भले ही वो एक पिता के रूप में उनकी इज्जत करते हों, लेकिन जो उन्होंने फैसले लिए हैं उन फैसलों को किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, ये उन्होंने मुलायम सिंह यादव से साफ तौर पर कह दिया है। शिवपाल सिंह यादव के जिस तरीके से मंत्रालय उन्होंने कम किए उस पर भी उनका स्टैंड कायम है। तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव को लगता है कि अगर वो इस मामले में ज़्यादा कूदेंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने इस मामले को यहीं पर रोकने का फैसला लिया है। शिवपाल सिंह यादव जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उनसे तो बातचीत होगी, लेकिन इस दौरान जब गायत्री प्रजापति यहां पर उनसे मिलने पहुंची तो उनको इस बात की उम्मीद थी कि मुलायम सिंह के दरबार से उनको किसी तरह की कोई राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक मुलायम सिंह यादव उनके प्रति बिल्कुल सॉफ्ट थे और किसी तरह की बात नहीं कह रहे थे। गायत्री प्रजापति के साथ कुछ ऐसे लोग थे जो मुलायम सिंह के साथ इटावा से आए हुए थे, और उन्होंने मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी दी है क्योंकि वो भी उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे। मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव नहीं मानेंगे और मंत्रालय उनका वापस नहीं होगा, पार्टी के लिए वो काम करें, और अगर गायत्री प्रजापति ने ज्यादा अपने कुछ बगावती तेवर दिखाए तो अखिलेश यादव उनका टिकट भी काट सकते हैं। इस तरह की बात मुलायम सिंह यादव ने गायत्री प्रजापति से कह दी। उसके बाद गायत्री प्रजापति ने मुलायम सिंह का घर छोड़ा और वो सीधे जिस होटल में दिल्ली में वो ठहरे हुए वहां पर वो चले गए। तो काफी निराशा हाथ लगी उनके, और मुलायम सिंह ने दरअसल ये बात उनसे इसलिए कही है क्योंकि अखिलेश यादव अपने स्टैंड पर कायम है, झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उनके पास कोई और चारा नहीं रह जाता, क्योंकि अगर वो और ज्यादा कोई टफ फैसला लेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। इसलिए अब जो फैसला होगा वो अखिलेश यादव के मुताबिक ही होगा, किसी तरह का। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, विवेक भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से सीएम अखिलेश यादव ने भी थोड़ी देर पहले के कहा कि अगर बाहर के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो फिर कैसे होगा, कौन है ये लोग, किस ओर इशारा था? देखिए, इस बात को सभी जानते हैं, जब से समाजवादी पार्टी में एक पुराने नेता की वापसी हुई है तब से ये बवंडर मचा हुआ है। बहरहाल, आज जो मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं, इसी सवाल को शिवपाल यादव से भी पूछा गया था। मुख्यमंत्री ने तो एक तरह से सारा ठीकरा उस बाहरी व्यक्ति के ऊपर फोड़ दिया है कि वही झगड़े की सारी वजह है, लेकिन ये सवाल जब आज सुबह शिवपाल यादव से पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि कोई कितना भी किसी को बरगलाए भड़काए, लेकिन अंततः फैसला तो वो व्यक्ति ही करता है। यानी फैसला तो आखिरकार मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को करना है, कोई कुछ भी उनसे क्यों ना कहता है। बहरहाल, अलग अलग मिजाज है दोनों के। अखिलेश यादव ने एक बात और आज कही है कि जो कुछ फैसले उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कहने पर लिए थे, कुछ अपने हिसाब से लिए थे। इसका मतलब यह है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, राजकिशोर सिंह और दीपक सिंगल को हटाने के फैसले में मुलायम सिंह यादव की सहमति शामिल थी, लेकिन शिवपाल यादव के कद को जिस तरह से कम किया गया वो मुख्यमंत्री का अपना फैसला था, और यही वो फैसला है जिसको लेकर के घमासान मचा हुआ है और फिलहाल अभी शांत नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको इस बात से नाराजगी है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष पद तक क्यों छीना गया। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका हल आखिरकार मुलायम सिंह यादव को ही निकालना है। बिल्कुल, अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, वाकई में ये कहें कि मुलायम सिंह यादव को ही अब रास्ता निकालना है कि क्या कुछ किया जाएगा। इस बीच अखिलेश यादव ने जरूर ये साफ कर दिया है कि जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं उसमें कुछ जो फैसले हैं वो पता थे मुलायम सिंह यादव को, लेकिन कुछ उन्होंने अपने आप लिए हैं। कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये लड़ाई कहीं कि बढ़ती ही चली जा रही है, कहां से कैसे एक नतीजा निकले, इस वो शायद जो कोशिशें हैं वो अभी तक उस तरह से बढ़ी नहीं रही है, कारगर नहीं हो रही। जी श्वेता, देखिए सुबह जो डेवलपमेंट था और
कल रात को जिस तरह का डेवलपमेंट था उसके बाद तो कम से कम शिवपाल यादव के बयान आने के बाद और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान आने के बाद एक चीज़ तो साफ हो गई है कि अगर मुलायम सिंह यादव इस पूरे मामले में मध्यस्थता करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उस निर्णय को दोनों ही नेता मानेंगे। और इसीलिए पहले शिवपाल यादव ने सैफई में यह बयान दिया कि नेताजी ही अंतिम फैसला लेंगे, उनके पास मैं जा रहा हूँ। इस तरीके से अखिलेश यादव ने भी कहा कि कौन ऐसा है जो मुलायम सिंह यादव की बात, नेताजी की बात नहीं मानेगा। तो मतलब यह है कि मुलायम सिंह यादव जो फैसला लेंगे उसको दोनों ही मानने के लिए तैयार है। ये बात सही है कि दोनों के अपने अपने रिजर्वेशन हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर के उनकी अपनी मांगे हैं और उस बात को लेकर के वो अड़े हुए हैं। शिवपाल यादव अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, अखिलेश यादव के अपने मुद्दे हैं जिनको लेकर के उड़े हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही अपने स्टेटमेंट में कि कुछ निर्णय जो नेताजी ने लिए और कुछ निर्णय जो उन्होंने लिए वो निर्णय सबके कंसर्न से लिए गए। उन निर्णयों में जिस तरीके की आवश्यकता थी बातचीत करने की, बातचीत भी की गई। दरअसल जो घमासान दो मंत्रियों को हटाने के बाद, फिर मुख्य सचिव को हटाने के बाद हुआ, कहीं ना कहीं एक भूमिका नजर आती है अखिलेश यादव को। और इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि एक बाहरी व्यक्ति कैसे हस्तक्षेप कर सकता है किसी निर्णय में, और सबको मालूम है कि मुख्य सचिव को कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, किन बातों को लेकर के हटाया गया। तो ये सारे घटनाक्रम इसके पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी को चुनाव में जाना है और ठीक चुनाव के मुहाने पर आकर के पार्टी के अंदर अगर घरेलू संघर्ष या सरकार के अंदर किसी तरह का संघर्ष मिलेगा तो पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर भी इससे फर्क पड़ेगा। ऐसे में कोशिश अब यही है पार्टी के रणनीतिकारों की डैमेज कंट्रोल करते हुए इस स्थिति से बाहर निकला जाए। आने वाले दिनों में पार्टी की कई सारी चुनावी तैयारियां हैं, मुलायम सिंह यादव की रैलियां हैं, समाजवादी यात्रा जो है विकास यात्रा निकाली जानी है, कई तरह के कार्यक्रम लिया जाता है तो दूसरी तरफ नाराजगी भी देखने को मिल जाती है। ऐसे में कैसे ये तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ा जाएगा? अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ये बात तो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई कि ये लड़ाई पारिवारिक नहीं है, सरकार की है। अब सवाल ये है कि किसी भी मुद्दे पर अगर एक साथ सहमति नहीं होगी तो चुनाव है, ऐसे में कैसे चुनाव में जाया जाएगा? जो एक रणनीति है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? कैसे एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि कोई भी समस्या नहीं है, हम एक हैं? जी बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पारिवारिक झगड़ा नहीं है, बिल्कुल ये लड़ाई पारिवारिक के साथ साथ राजनीतिक भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री का पद है, उससे वो सरकार चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पद है तो तमाम जो संगठन के नेता हैं वो उनके पास आते हैं। लेकिन अब जब उनके पास से ये पद छिन गया है और शिवपाल यादव के पास चला गया है तो निश्चित तौर पर जो भीड़ उनके पास आती है वो शिवपाल यादव के पास चली जाएगी। जो टिकट बंटवारा होगा वो शिवपाल के हाथ में काफ़ी हद तक चला जाएगा। और राजनीति में ये बिल्कुल ये बात कही जाती है कि जिस नेता के पास से भीड़ खत्म हो जाती है तो उस नेता की राजनीतिक शक्ति भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो शिवपाल यादव के पास निश्चित तौर पर भीड़ जाएगी, क्योंकि संगठन का कामकाज वो देखेंगे। तो जिन लोगों को संगठन में रहना है, पार्टी की नीतियों को ग्राउंड तक पहुंचाना है, तो वो काम संगठन के लोग करते हैं। इसके अलावा टिकट बंटवारे में प्रदेश अध्यक्ष की काफी अहम भूमिका होती है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री ने अपने जो बगावती तेवर थे वो दिखाए। तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने फैसला लिया कि शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री होने के नाते यह फैसला कर लिया कि शिवपाल यादव के कंधे पर चूंकि भार ज्यादा है, उनके मंत्रालय हमने कम कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो घमासान ये मचा हुआ, तो निश्चित तौर पर इससे जो विरोधी है उनको फायदा होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में है वो पार्टी के अंदर के लोग हैं। चाहे पार्टी के सांसदों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, सभी इस मुद्दे पर खामोश है। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हम किसका साथ दें, हम मुख्यमंत्री का साथ दें, मुलायम सिंह यादव का साथ दें, शिवपाल का साथ दें, हमारे लिए सभी लोग एक हैं। बिल्कुल, नेता के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाकी लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। विवेक, एक बात ही बताइए, ये स्थितियां इतनी बिगड़ती कैसे चली गई? देखिए, अगर हम शिवपाल सिंह की बात करें श्वेता, तो तीन ऐसे वाक्य हुए हैं जिसमें फैसला मुलायम सिंह यादव ने किया और झेलना पड़ा फजीहत हुई शिवपाल यादव की। चाहे वो बिहार में महागठबंधन का सवाल हो, जिसको पहले मुलायम सिंह ने तय किया, फिर बाद में रामगोपाल यादव ने इस गठबंधन को तोड़वा दिया, इसमें शिवपाल को आगे किया गया था। दूसरा फैसला मुलायम सिंह यादव ने कौमी एकता दल के मर्जर को लेकर के दिया, इसमें भी शिवपाल को आगे किया गया, लेकिन बाद में उस मर्जर को अखिलेश कहने पर विड्रॉ कर लिया गया, यहाँ भी शिवपाल की फजीहत हुई। कल मुलायम सिंह ने शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और नुकसान शिवपाल को उठाना पड़ा, उनके विभाग छीने गए। तो तीन बैक टू बैक वाक्य ऐसे हो गए हैं जो फैसला मुलायम सिंह यादव ने किया, लेकिन दूसरे लोगों के दबाव में अंततः खामियाजा शिवपाल यादव को उठाना पड़ा। तो वो इस स्थिति से काफी तंग आ गए हैं, लिहाजा अब वो फैसला कर लेना चाहते हैं कि आगे कैसे चलना है, क्या होना है। और इसीलिए उन्होंने तय कर लिया था कल शाम को कि अब वो इस्तीफा दे देंगे मंत्रालय से और प्रदेश अध्यक्ष का जो काम है वो करेंगे। तो अब वो जब बैठेंगे मुलायम सिंह यादव के साथ, तब ये तय होगा कि क्या करना है, कैसे गाड़ी आगे चलेगी। लेकिन जो तीन ये फैसले हैं जो मुलायम सिंह यादव की तरफ से लिए गए और उसमें नुकसान शिवपाल यादव को उठाना पड़ा, कहीं ना कहीं वो इससे लगातार राहत है। बिल्कुल, और अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, आप किस तरह की खबरें आ रही हैं? जी
देखिए कोशिश तो जरूर चल रही है, धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं, सांसद हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के, और मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी है। कहा जाता है कि मुलायम परिवार में अगर मुलायम सिंह यादव से खुलकर कोई बात करता है नई पीढ़ी का तो धर्मेंद्र यादव करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने अब से थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह यादव से भी टेलीफोन पर बात की, वो अखिलेश यादव के साथ पांच कालिदास मार्ग में इस वक्त मौजूद भी हैं। कोशिशें कई तरीके की चल रही हैं पार्टी के अंदर मनाने की, समझाने की, अलग अलग फार्मूले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों ही पक्षों ने सभी फार्मूले जो है वो खारिज कर दिए हैं, कोशिशें लगातार पार्टी के अंदर हो रही हैं। देखिए रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच भी एक पुरानी टसन है, वो टसन भी बीच बीच में विवाद की वजह बनती है। एक MLC जो रामगोपाल यादव के रिश्तेदार हैं जिससे शिवपाल यादव की नाराजगी बेहद ज़्यादा है, इसीलिए कुछ दिनों पहले जब समाजवादी पार्टी के परिवार के अंदर काफ़ी झगड़ा हुआ, वो झगड़ा उसी स्तर पर आकर के निपटा। सारे परिवार को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में तलब किया, यहाँ बुलाया, सब साथ बैठे और फिर बातचीत की गई और ये तय किया गया कि कुछ निर्णय जो है लिए जाएंगे। जो करीबी लोग हैं, चाहे शिवपाल यादव के हों, अखिलेश यादव के हों या रामगोपाल यादव के हों, कुछ करीबी लोग, सलाहकार, पार्टी के नेता, अधिकारी ऐसे हैं जिनकी भूमिका को लेकर के बार बार पार्टी के कॉरिडोर में चर्चा होती रहती है, उन पर गाज भी समय समय पर गिरती रही है, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर के इस बार भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि करीबी लोगों ने जो है ये झगड़ा लगाया, कुछ ऐसे नेता जो पार्टी में नहीं थे बाहर से अंदर आए, उन्होंने झगड़ा लगाया, विवाद छोटी बातों को बड़े विवाद के रूप में बढ़ाया और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि जो है सभी अपने अपने कहीं ना कहीं अपने अपने ईगो को लेकर के सामने आ गए और इसी नाते जो है वो निर्णय अनिर्णय की स्थिति में बदल गया और पार्टी में इस तरह का घमासान मच गया जहां पर गतिरोध खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन दोनों नेताओं की स्टेटमेंट के आने के बाद कि नेताजी इस मामले में निर्णय लेंगे और उनका निर्णय सब मानेंगे, पूरे मामले में मुलायम सिंह यादव की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है इसका ही वाकई में इंतजार है। तो वाकई में जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है, बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे चाहे हम शिवपाल यादव की बात करें, वो कह रहे हैं जो भी तय किया जाएगा नेताजी की ओर से उसी पर आगे चला जाएगा और अखिलेश यादव भी इसी बात को कह रहे हैं। हमारे साथ क्या कुछ अभी स्थितियां हैं ये बताने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अनुराग कसरा में रुक करूंगी। अनुराग, रास्ता तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ही निकालेंगे, क्या कुछ अभी वहां से खबरें आ रही हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए श्वेता, शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, अभी उन्होंने एयरपोर्ट पर लैंड किया है, तो आने वाले आधे घंटे में या पौने घंटे में वो मुलायम सिंह यादव के घर पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जब दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग होगी तो उसके बाद देखना होगा किस तरह की बातें रखी जाती है, लेकिन किसी भी तरह की मीटिंग हो, ये मेरे पास बिल्कुल अपडेट है कि मुख्यमंत्री अपने फैसले से बिल्कुल अब हटने वाले नहीं है। शिवपाल सिंह यादव को मुलायम सिंह यादव समझाने का प्रयास करेंगे और शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से खबरें आ रही है कि वो इस्तीफा देंगे, जो एक मंत्रालय उनके पास बचा है, और उसके बाद वो मुलायम सिंह के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष का ही काज संभालेंगे और उसके बाद यहां से कुछ और निकलने की संभावना नहीं है, ये मेरे सूत्रों ने पुख्ता जानकारी दे दी है। बाकी राजनीति में कई बार जो अलग अलग सिचुएशन है वो बदल जाती हैं मौके के हिसाब से, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और मुलायम सिंह यादव काफी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और शिवपाल के बेटे भी उनके साथ हैं और यह माना जा रहा है कि अगले एक घंटे में दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग होगी और उसके बाद कुछ ना कुछ फैसला निकलकर जरूर सामने आएगा। श्वेता, चलिए चलिए अनुराग, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश, आपका भी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। विवेक, आपका भी अपडेट देने के लिए धन्यवाद। तो अनुराग जो जानकारी दे रहे थे, आपको बता दें कि शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर ही वो मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचेंगे और उसके बाद मुलाकात होगी और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी हम आपको अपडेट दिलाएंगे। फिलहाल आज के एजेंडा में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।